सो गाइज वेलकम टू योर चैनल रैसल वर्ल्ड। तो गाइज आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं 5 WWE के ऐसे बड़े रेसलर्स को जिन्होंने WWE के अंदर काफ़ी नाम कमा कर रखा है। उन्होंने सारी चैंपियनशिप ऑलमोस्ट जीत के रखी है WWE के अंदर, लेकिन उन्होंने कभी नहीं जीती है WWE टैग टीम चैंपियनशिप। नंबर 5 पे आता है यहाँ पे नाम AJ Styles का। तो गाइज AJ Styles जो कि WWE के अंदर 2016 में अपना डेब्यू किए थे, अगर उसके बाद से उन्होंने WWE के अंदर ऑलमोस्ट सारी चैंपियनशिप जैसे कि WWE चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, सारी चैंपियनशिप उन्होंने जीत के रखी है, लेकिन गाइज उन्होंने कभी नहीं जीती है टैग टीम चैंपियनशिप। अगर वो टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाते हैं, अगर वो टैग टीम चैंपियन बन जाते तो वो भी WWE के अंदर बन जाएंगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन। नंबर 4 पे नाम आता है गोल्डबर्ग का। तो गाइज गोल्डबर्ग भी काफ़ी पुराने रेसलर है WWE के अंदर, और उनका कैरियर भी अच्छा खासा चला था WWE के अंदर, और उन्होंने भी काफ़ी सारी चैंपियनशिप जीती भी थी, लेकिन जो भी कभी नहीं बन पाए WWE टैग टीम चैंपियन। नंबर 3 पे यहाँ पर नाम आता है मार्क हेनरी का। तो गाइज मार्क हेनरी जो कि वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट मैन भी है, और उनका कैरियर भी WWE के अंदर काफ़ी लंबा चला था, और उन्होंने WWE के अंदर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, काफ़ी सारी चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी, लेकिन जो भी कभी नहीं बन सके टैग टीम चैंपियन। नंबर 2 पे आता है केविन ओवेंस का नाम। तो गाइज केविन ओवेंस भी काफ़ी एक बड़े रेसलर बन चुके हैं WWE के अंदर, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम भी कमा लिया है WWE के अंदर, और गाइज उन्होंने भी काफ़ी सारी चैंपियनशिप जीती है WWE के अंदर। ऑलमोस्ट सारी चैंपियनशिप उन्होंने भी जीती है, जैसे कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, लेकिन एक ही टाइटल उन्हें भी बच रहा है जीतने से, जिसके बाद वो भी बन जाएंगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन, वो है WWE टैग टीम चैंपियनशिप। नंबर 1 पे आता है नाम ब्रॉक लेजनर का। तो गाइज ब्रॉक लेजनर जो कि काफ़ी खतरनाक और काफ़ी बड़े रेसलर है WWE के अंदर, और वो भी काफ़ी सारी चैंपियनशिप WWE के अंदर जीत के रखे भी है, लेकिन गाइज उन्होंने भी अपने कैरियर के अंदर कभी भी नहीं जीती टैग टीम चैंपियनशिप। सो गाइज यही थे 5 रेसलर जिन्होंने अपने कैरियर के अंदर कभी नहीं जीती WWE टैग टीम चैंपियनशिप। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।